Hey, what's up, Scott? This is Kurpesh from Palghar. Welcome back to my another vlog. So, last का vlog हमारा incomplete रहा क्योंकि villagers ने हमें stop कर दिया था. So, हमें जाने के लिए मिला नहीं वांद्रे लेक पे. अगर आपने वो video नहीं देखा होगा तो please मेरे channel visit करो. So, मैं एक बात बताना चाहता हूँ. मेरे को एक subscriber ने पूछा कि आप मराठी में भी vlog करो. So, मेरे को उसको बताने का है कि मैंने पहले ही decide किया था कि अगर rides के plan रहेंगे, bike rides के, तो मैं हिंदी में बोलूँगा, और अगर ट्रिप प्लान रहा मतलब जर्नी रहा सो मैं मराठी में बोलूँगा. जब ट्रिप प्लान असेल तो मैं मराठी ब्लॉग करेल. और बात करते हैं आज के ब्लॉग की. सो आज का ब्लॉग मैंने लास्ट ब्लॉग में ही बताया था कि मैंने बाइक के लिए 160 टायर लिया है NS के लिए. अभी वो फिट होएगा कि नहीं वो तो अपने को अभी आगे जाके ब्लॉग में ही पता चलने वाला है. काफ़ी दिन से मैंने वो टायर परचेस किया और बिठाने का इंस्टॉल करने का टाइम ही नहीं रहा. सो आज जाते हैं और इंस्टॉल करते हैं. ओके सो गाइस, ये है टायर जो मैंने परचेस किया था, मिचलिन 160 रियर. सो मुझे बाइक पे ले जाने के लिए पॉसिबल नहीं हुआ, सो इसलिए मैं देवेंद्र को बुलाया, लेकिन उसका ही वेट कर रहा हूँ, अभी तक वो आया नहीं. और अभी बज रहे 12. सो टाइम हो चुका है बहुत आज, अब उसका वेट करना पड़ेगा मुझे. ऑल राइट देन, नाउ वी आर इन रूट टू द पालघर. बट एक छोटा प्रॉब्लम लग रहा है क्योंकि कुछ फ्रेंड बोले कि 160 रियर टायर पीछे परफेक्ट बैठेगा नहीं. सो भी गैरेज जाके ही पता चलेगा कि परफेक्ट बैठेगा कि नहीं. लेकिन उससे पहले हमको एक और काम है जो कि देवेंद्र को टीवी परचेस करने का है. और एक बात बताना चाहता हूँ, हालांकि ये जो मेरा टायर है वो और 6-7 मंथ आराम से चल सकता है, बट अभी मोस्टली मैंने देखा कि बहुत स्लिप भी मार रहा है, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ. और गाइज एक बात बताना चाहता हूँ कि आप घर से बाहर निकलते हो तो प्लीज़ सैनिटाइज़र कैरी करो और ज़रा सोशल डिस्टेंसिंग रखो यार. फिर जरा ओके. ओके देन गाइस, टायर भी टाके हो चुका है अपना, लेकिन जो मेरा दोस्त है ना देवेंद्र, उसको टीवी खरीदा था, मैंने स्टार्टिंग में बोला था. सो अभी हम बोलसर जा रहे हैं, मतलब अभी बोलसर के रूट पे ही है, अभी जस्ट पहुँचेंगे और उसको टीवी कौन सा परचेज करने का देखते हैं और हम वहाँ पर आपको मिलते हैं. लेकिन टायर अभी बिठाते हैं ना बहुत प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मैं आपको बताऊंगा बाद में. तो गाइस अभी राइड के बाद भोईसर तो पहुँच गए और देवेंद्र भाई बड़ा टायर में कुछ अलग फीलिंग लगा के तेरे को? बहुत अच्छा है, गाड़ी चलाने में बहुत अच्छा पड़ता है.
कॉर्नरिंग भी बहुत अच्छी तरह से फिटेगा। काय झालं, कोणता डिसाइड झाला, कोणता डिसाइड झाला? सध्या तरी कन्फ्यूज आहे 43 मध्ये, बघू आता सर। सॅमसंग एल जी मध्ये कन्फ्युजन आहे का? माझ्या मते एल जी बरं पडेल ना आपल्याला। हो, बघू आता एल जी मध्ये बघू, जास्त मोठी पण नाही आहे ते। अरे ज्यादा बड़ा भी नहीं लेना, ज्यादा बड़ा भी नहीं लेना है, क्योंकि जो हमारा कबाट है उस पर फिट भी तो आना चाहिए ना। तो गाइस के लिए तो परचेस कर लिया है, पर हम पिकअप कल करने वाले हैं, क्योंकि आज पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि देवेंद्र को भी कुछ सामान घर पे लेके जाना है। मिलते बाद में गाइस, कोई सर का जो काम था वो टीवी परचेस करने का, वो तो हो गया, देवेंद्र ने परचेस कर लिया। पिक करने के लिए हम कल जाएंगे वो सर, और अभी हम वापस पालघर आ गए और अभी जा रहे हैं घर पे। मैं जा रहा हूँ घर पे, देवेंद्र जा रहा है, वो खारेपुरन में रहता है, सो वो उसके घर जाएगा। सो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो नॉन सब्सक्राइबर है, मतलब जो चैनल पे नए है, वो चैनल पे विजिट करो और लाइक करो, शेयर करो यार। गुड बाय, मिलते हैं ऐसी अगले ब्लॉग में।